प्रताप सिंह बाजवा जी या होर जिहड़े असीं आ साडियां परिवारां नूं मेरा अपना परिवार 100 साल तो कांग्रेसी आ। सानू भगवंत मान जी ने आप 4-5 पार्टियां चेंज कीतियां ने, सानू उहनां कोलों सर्टिफिकेट लैण दी लोड़ नहीं। हमेशा साडे परिवारां दी बीजेपी दे नाल लड़ाई रही और हमेशा जनसंघियां नूं असीं ठोकदे रहे हां। पहलां जनसंघ हुंदी सी, मेरे ख्याल नूं भगवंत मान नूं नहीं पता होना कि जनसंघ की है। इहनां दे विच जरूर है कि यह RSS की बी टीम, ये जिहड़ी आम आदमी पार्टी है, ये बी टीम है RSS की। जिथे कांग्रेस के नाल बीजेपी नूं दिसे कि कांग्रेस कमजोर करनी, उत्थे इहनां नूं होर उहदे च ज़्यादा करदे ने। और जिथे यूपी दे विच जिथे बीजेपी का अपना हैगा, उत्थे कदी इहनां दा बंदा खड़ा नहीं होया। इन्हां नूं पता लगा कि गुजरात दे विच बीजेपी डाउन जा रही है, कांग्रेस बेस लै रही है, उत्थे जाके कर रहे हैं। तुसी हिमाचल च जाओ, कांग्रेस उपर नूं आ रही है, उत्थे कांग्रेस नूं कमजोर कर ली बीजेपी ने, इन्हां नूं हवा दे के उत्थे खड़ा किया। इस करके ये जिहड़ी पार्टी आ, जिहड़े इन्हां ने बंदे इकट्ठे किए ने जां MLA ने, इन्हां चों वेखो कि पिछोकड़ किहदा, किसी का आम आदमी वाला कोई पिछोकड़ नहीं। कोई कांग्रेस का दौड़िया, कोई BJP चो गया, कोई अकाली दल चो गया, कोई एक तो दसन कि टकसाली किहड़ा। साढ़े तो असी खड़े हाँ, सानू तो ये नहीं कोई कहूगा कि असी कभी पार्टियां चेंज कीतियां ने, तो इन्हां चो दसन कि इन्हां चो टकसाली किहड़ा। ये आप ही दस दे भगवंत मान कि इस किस पार्टी चे ते किस पार्टी चो किन्नियां पार्टियां कित्थे करके चेंज कीतियां। विश्वास किहदे ते? मेरी गल सुनो, तुसी यार जे छोटी होंदे, जे पुराने होंदे ना पत्रकार, उन्होंने आप ही छिले इन्हां दी ला देनी सी। पहलों जाके जिहड़े बिजनेस आ उहनूं पढ़ो, रूल्स की कहिंदे ने। कॉन्फिडेंस कदी नहीं आउंदा, पहलां आउंदा वा नो कॉन्फिडेंस, अविश्वास मता आउंदा, उहदे अगेंस्ट फिर विश्वास लैके आया जांदा। सीधा विश्वास किहदे ते करना? इन्हां नूं अपने ते आप ते ही विश्वास नहीं। इह जां ते कहिणगे असीं साडा सानूं अपने ते बेभरोसगी हो गई आ, ते अहीं अपने ते भरोसा पैदा करना चाहुंदे कि कितें असीं खिलर ना जाइए। इन्हां दा भरोस की पता जे लैके आना, तो वह तो दस ही दिता लोगों ने संगरूर की इलैक्शन च, जितों मान साहब ने आप दिता अस्तीफा। मान साहब 58,000 वोट ते जिते, तो 12,000 ते रह गए। वो दूसरा जिहड़ा फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, वह पता नहीं 19,000 वोट ते जिते सी, उतों 9,000 ते हार गए। मीत हेर जिहड़ी पता नहीं 19,000 ते, वो 50-60,000 ते जिते, वह भी हार गए। तो जिहड़ा अपना अमन अरोड़ा, वह 72,000 वोटा पंजाब से सब तो वध वोटा ना जिते, तो 1300 ते रह गए जित जित। तो इस करके विश्वास वाकई इन्हों का लोगों तो उठ गया। कोई ऑपरेशन जो मेरी गल सुनो, ऑपरेशन जो हों डॉक्टर को जाइना ना, डॉक्टर पूछेगा डॉक्टर साहब मैनू इतने की पीड़ हो रही है, तो कहना कुछ वजिया तो नहीं। जे वजिया हों तो कहता हाँ जी मेरे सट लगी सी। तो जोड़े बंदे कह रहे हैं कि सानू कॉल्स आईया ने, मेरे बजाय तुसी पुछो उन्होंने, जिहड़ा शीतल आ वह कहिंदा मैनू लेख ते मिलिया, ते लेख ते बंदा जिहड़ा मिलिया बिना मतलब तो चला गया मिलन, किते किडनैप ने कर लैंदे जे मिल गया सी। जे कोई जानदा बंदा उहनूं ही मिल जाईदा कि हाँ दस। तो उत्थे चंडीगढ़ पुलिस लेख दे उत्ते ते इन्नी खड़ी हुंदी आ, ते जे उह जिहा बंदा ही उहनां कहिंदा आ मैनू पै गया भी फड़ लो। दूसरे जिहड़े बंदे आ, मैनू अज बड़ी हैरानगी इस चीज़ की कि यार इतने तो बयान से ही बंदा लै जाते, बयान देगा तो बंदा फड़ के अंदर। तो इन को टैलीफोन के कॉल्स आ रही ने, रेंट आ रही है कि आओ तुम्हें खरीदना, तो यह मतलब कहते होने कि अं विकना चाहते हैं। रंधावा साहब, एक बड़ी अहम चीज़ है कि जिस तरीके इस वे दस रहे हो कि मता आ ही नहीं सकता जिहड़ा लिया की कोशिश कर रहे, फिर भी इन्होंने 3 दिन बधा लिया। बड़ी 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 बदकिस्मती है कि जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल हैड हों उन्होंने कभी नीवा नहीं दिखाया। गवर्नर साहब इन्हें गवर्नर साहब को नीवा दिखाने की कोशिश की, कंडेम करनी हर बंदे की बनती है। साडा रुख अभी नहीं कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस यार नो कॉन्फिडेंस से असी लैके आना, और नो कॉन्फिडेंस लिए 22 बंदे चाहिए आ। अपोजिशन को 22 बंदे ही है नहीं, सम्मान इन्हों का सम्मान। एक चीज़ मैं दस देना, गवर्नर साहब ने पूछा कि कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता, फिर इन्होंने बाकी चीज़ा क्यों लैन दियाँ, क्यों मते बाकी लेंदे, क्यों नहीं फिर गवर्नर नूं लिखिया कि असी कॉन्फिडेंस मोशन ही लैके आना, लिख दे ते कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नूं आपे पेश हो जाता। तो दूसरी इन्होंने कहा कि असी गवर्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट च जावांगे, इन्हां चाहिए सुप्रीम कोर्ट च जाना,
जिहड़ा गवर्नर साहब ने ऑर्डर किया उस ऑर्डर सैटिस्फाइड कराते और ये कहते कि हाँ असं कॉन्फिडेंस लैके आ सकते हैं। कल्ली पंजाब की असैम्बली या पार्लीमेंट दे कल्ली पंजाब की असैम्बली का वो कानून चलना पूरे हिंदुस्तान दी असैम्बलियां ते पार्लीमेंट राज्यसभा का जी एक कोई रूल्स ने वो चलते सैशन जो किया जा रहा है कि कांग्रेसी ने बाहर कढ़ दो देखो बड़ी बदकिस्मती है और उस परिवार का बंदा जिस परिवार का ज्ञानी जैल सिंह जेडे राष्ट्रपति रहे ने जेडे वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हैड रहे ने ते उन्हां दे दस्तखतां दे थले जेड़ा पार्लीमेंट और राज्यसभा का दोनों का इजलास चलता सी अज उस परिवार का बंदा उत्थे बैठ के डिक्टेटरशिप वाली गल करे मेरे ख्याल सर ज्ञानी जैल सिंह बहुत दुख लगा। ये ज्ञानी जैल सिंह वो ने जिन्हां ने नॉन जट होंदे आ पंजाब दे उत्ते बड़ी पकड़ दे नाल राज कीता जिते असीं कह दिंदे जट जे वो बनना चाहिए। ये ज्ञानी जैल सिंह वो आदमी सी जिहड़ा नॉन जट होंदे आ उन्होंने राज करके और अपनी पूरे हिंदुस्तान ने वर्ल्ड दे विच ज्ञानी जैल सिंह का नाम चलिया। अज उस परिवार को मैं कहना मैनू मैं जिस दिन पिछे बोलिया पर मैं स्पीकर साहब की एक चीज़ लगी कि उन्होंने जरूरत है नहीं। मैं उस वे जो इतने उन्होंने कहा कि असी उन्होंने बुत लाना भगत सिंह होना का तो मैं उस वे कहा कि ज्ञानी जैल सिंह होना इसे ही मैं इतने विधानसभा जरा पिछले पास जो फंक्शन होंगे ने बैकसाइड पर मैं उदो छोटा सीगा 72-73 की गल है मेरे फादर मिनिस्टर सीगे उत्थे ज्ञानी जैल सिंह उन्होंने उन्होंने माता नूं पंजाब माता का खिताब दिता सी। पूरे पंजाब दे विच सब तो पहलों हिंदुस्तान दे विच पंजाब दे विच फ्रीडम फाइटर्स दियां पेंशनां लाईआं गईआं पूरे हिंदुस्तान चों ज्ञानी जैल सिंह ने पहली बार किया कि फ्रीडम फाइटर्स जिहड़ियां फैमिलीज ने उन्हां लई रिजर्वेशन रखी जाए। पूरे हिंदुस्तान दे विच पहली बार होया तो ज्ञानी जैल सिंह ने जिहड़े देश भगत सीगे उन्हां दे बच्चों घर चो बुला बुला के नौकरियां दित्तियां तो इस चीज़ से उस परिवार का बंदा ये धमकी दे उस चेयर ते बैठ के जिते ज्ञानी जैल सिंह थले बैठता हुंदा सी ते स्पीकर वाल वेखदे कि स्पीकर का बहुत वड्डा रुतबा हुंदा तो उस बंदा कह के तुहानूं सानूं धमकी दे के मैनूं सख्त कार्रवाई तुहाडी ते करनी पएगी ते करदे इहनूं इहदे तों सख्त ये करनी चाहिए कि सानूं या मैंबरशिप जिहड़ी सी वो साडी खत्म कर देनी चाहिए स्पीकर। रंधावा जी अगला एक्शन हो की है तुहाडा? कोई गल नहीं रोज वेखे करे तुहानूं ही मिलना। रंधावा साहब एक गल हो रही कैप्टन साहब जिहड़े ने ओह कल फौरी तौर ते पहली बार भाजपा दफ्तर पहुंचे ते अज उन्होंने आपदी विधानसभा ला ली है लोक विधान। कैप्टन साहब पहुंच गए ने? नहीं कैप्टन साहब अज नहीं। अच्छा मैं कहते जे इत्थे नहीं आउंदे रहे उत्थे किवें पहुंच गए? इत्थे ते असीं वेखदे रहिंदे कि कई दा सी मिनिस्टर सीगा नाल आके कहना जनाब आ जाओ कहना नहीं तुसीं मेरा उत्थे भेज देणी तुसीं जवाब दे दिओ मंत्रियां नूं जवाब देणे पैंदे उहनां दे डिपार्टमेंट दे। ये बड़ी बदकिस्मती आ कि जिहड़ा बंदा 9.5 साल मैनूं बोलना चाहिए मैं मेरा बड़ा प्यार रहा और मेरा ख्याल है कि सब तो वध कॉन्फिडेंस का भी मैं ही हुंदा सी। तुसीं वेखते रहे हो एक सुखजिंदर सिंह रंधावा सी कोई ये कहिंदा रहे MLA के मैनूं मिलदा नहीं मैनूं उन्हां कदी ना नहीं सी कीती जे मैं टैलीफोन कीता उन्हां मेरा टैलीफोन ही चुक्या जे मैं मिल गया मैनूं मिले भी पर अफसोस इस गल का होया कि डिफरेंसिज उस वेले आए जो बरगाड़ी के इशू तो उन्होंने साड़ी सुननी बंद कर दी जो उत्थे बैबल कलां के उत्ते बिल्कुल उन्होंने अखा बंद कर लिया उन्होंने नशे के उत्ते अखा बंद कर दी उस वे साडे डिफरेंसिज आए कि महाराज साहब उत्थे दमदमा साहब सौंह खाधी आ ते तुसी ते शायद सिखी च मुख मोड़ सकते हो साडे लई बहुत औखा होना लोगों के सामने तो गुरु के सामने खड़े होना उस करके साडे उन्होंने डिफरेंसिज आए। पर मैनूं एक चीज़ ये भी मैं कहना चाहुंदा कि पता नहीं क्यों 2002 तो लैके 2007 वाला जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह सी वो नहीं सी वो मर गई सी उहदी आत्मा मर गई सी।